नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सट्रीम एंटरटेनमेंट एंड एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपसे बात करने वाले व्हाट्सएप के लेटेस्ट अपडेट के बारे में। दोस्तों, बहुत दिनों से चर्चा में था कि व्हाट्सएप का ये लेटेस्ट अपडेट कब तक आएगा, कैसे आएगा, आएगा नहीं आएगा, लेकिन फाइनली दोस्तों व्हाट्सएप ने अपना ये लेटेस्ट अपडेट ला दिया। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने का कोई कॉस्ट नहीं है, कोई पैसा नहीं लगेगा। बेसिकली जैसे भी मैं अपनी वीडियो अपलोड करूँगा सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। दोस्तों, हमारे साथ प्रॉब्लम क्या आती थी, जैसे हम बहुत सारे चैटर एक साथ करते थे, बहुत सारे मैसेजेस का हम रिप्लाई एक साथ करते थे, तो कभी कभी व्हाट्सएप में ऐसा हो जाता था कि किसी और के मैसेज को किसी और के पास हम फॉरवर्ड कर देते थे। ऐसे में दोस्तों होता क्या था कि जो भी वो मैसेज हम फॉरवर्ड करते थे गलती से दूसरे के पास वो चला जाता था और वहाँ से डिलीट करने का कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन व्हाट्सएप ने अपने जो लेटेस्ट अपडेट लाया उस पर आप अपने बेसिकली उस मैसेज को डिलीट कर सकते हैं। उस मैसेज को अगर नहीं चाहते हैं कि वो उसके पास पहुंचे या आपने गलती से उस मैसेज को फॉरवर्ड कर दिया है तो आप उस मैसेज को डिलीट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसी अपडेट को लेकर व्हाट्सएप इस बार आपके सामने हाजिर हुआ है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप अगर आप व्हाट्सएप के इस फीचर को यूज़ करना चाहते हो तो आपका जो व्हाट्सएप वो लेटेस्ट अपडेट में होना चाहिए। दोस्तों, अगर आपने लेटेस्ट अपडेट नहीं किया अपने व्हाट्सएप को तो आप अपने गूगल प्ले स्टोर में जाकर उसको लेटेस्ट अपडेट में कर लीजिएगा। उसका लेटेस्ट अपडेशन आया है उसको आप कर लेना, तभी आप इस फीचर्स का यूज कर पाओगे। दोस्तों, इस फीचर्स में क्या है कि अगर आपने किसी को गलती से मैसेज किया हुआ है तो उसको आप डिलीट कर पाओगे, लेकिन उसके जो टर्म्स एंड कंडीशन व्हाट्सएप का वो ये है कि अगर आप 7 मिनट के अंदर अंदर उस मैसेज को डिलीट करोगे तभी आप उस मैसेज को डिलीट कर पाओगे और सामने वाला बंदा उस मैसेज को नहीं पढ़ पाएगा। और अगर 7 मिनट के बाद आप उस मैसेज को डिलीट करोगे तो वो मैसेज डिलीट नहीं हो पाएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं एक लाइव डेमो देख के दिखाता हूँ आपको कैसे उसका इस फीचर्स कि कैसे व्हाट्सएप के इस नए फीचर्स को हम यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले मैं अपना व्हाट्सएप ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद है मैं रोहित को हेलो कर रहा हूँ, ठीक है, ये मैसेज फॉरवर्ड हो गया अब। और दोस्तों, अगर आप गलती से किसी को हेलो हाय या फिर कोई अलग से गलती से मैसेज किसी को फॉरवर्ड कर सकते हो तो उसको आप डिलीट कर पाओगे, लेकिन आपका जो टाइमिंग होगा वो 7 मिनट होगा। अगर 7 मिनट के अंदर अंदर अगर आप उस मैसेज को डिलीट कर दोगे तो मैसेज सामने वाले को नहीं दिखेगा। जैसे मैंने हेलो लिख के भेजा है जिस बंदे को, उसने अभी तक ये मैसेज देखा नहीं है। और दोस्तों, अगर ये मैसेज गलती से उसको फॉरवर्ड हो गया और मैं चाहता हूँ कि मैसेज ना पढ़ पाए तो इसके लिए इस पर आपको टैप करना है। टैप करने के बाद आपके पास इस टैप से कुछ ऊपर इस टैप से ऑप्शन दिख जाएंगे। यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन जो दिख रहा है इस डिलीट पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको देखिए डिलीट फॉर्म ही, अगर आप यहाँ डिलीट फॉर्म ही पर क्लिक करते हो तो सिर्फ आपके लिए डिलीट होगा, सामने वाले जिस बंदे को आपने फॉरवर्ड किया उसके लिए डिलीट नहीं होगा, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। और दूसरा डिलीट फॉर एवरीवेयर, तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो ये मैसेज आपकी तरफ से और जो सामने जिसको आपने फॉरवर्ड किया उसके तरफ से दोनों तरफ से डिलीट हो जाएगा और ये मैसेज जो सामने वाला बंदा जिसको आपने गलती से फॉरवर्ड किया है वो नहीं पढ़ पाएगा। और यहाँ पे लिखा आएगा यू डिलीटेड दिस मैसेज, ठीक है, और यही सेम मैसेज उसके पास भी जाएगा कि मतलब मेरा नाम लिख के आएगा कि डिलीटेड दिस मैसेज। जिस नाम से उसने अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट में मेरा नाम सेव किया होगा उस नाम से लिख के आएगा कि दैट पर्सन इज डिलीटेड दिस मैसेज, ठीक है। तो कुछ यही नया अपडेट आया हुआ है। अगर आप इस फीचर्स का यूज करना चाहते हैं तो आप भी अपने व्हाट्सएप को अपडेट कर लीजिएगा और अपडेट करने के बाद इस फीचर का यूज़ कीजिएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही था। और मैं आपको बता दूं कि 7 मिनट के बाद अगर आप अपना मैसेज डिलीट करना चाहते हो तो नहीं हो पाएगा, इसलिए आपको अगर मैसेज किसी को गलती से फॉरवर्ड हो गया है और आप उसको डिलीट करना चाहते हैं तो 7 मिनट के अंदर अंदर उसको बिना रीड किए हुए, अगर उसने रीड नहीं किया तब आप उसको डिलीट करोगे तो सामने वाले आपके मैसेज को नहीं पढ़ पाएगा। और अगर आप उसने रीड कर दिया तो फिर डिलीट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।